चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक। ओके तो हेलो गाइस, फिर से आ चुका नया वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार का ट्रेंडिंग वीडियो एडिट करने वाले, जो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। ओके तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इलाइट मोशन। ठीक है, तो इलाइट मोशन एप्लीकेशन को हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको एलर्ट मोशन एप्लीकेशन में मतलब एक प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट कहां से मिलेगा, तो उस प्रोजेक्ट का मतलब XML फाइल मिलेगा, तो उस XML फाइल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सॉन्ग बीट मार्क लिख के। ठीक है, तो सॉन्ग बीट मार्क के नीचे जो एक लिंक मिलेगा उस पर टैप करके आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसको शेयर करके एलर्ट मोशन ऐप से शेयर करके मतलब इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आपको मतलब XML फाइल में मतलब सॉन्ग भी ऐड नहीं होता। ठीक है, तो सॉन्ग को ऐड करने के लिए सॉन्ग को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो सॉन्ग का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको एलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरी जगह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट प्रोजेक्ट में जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो प्रोजेक्ट हम लोग इंपोर्ट किया था, ठीक है, वो लाल लाला ओले ये 3D XML वीडियो ये प्लस मतलब प्रोजेक्ट को यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को आपको टैप करना है। ठीक है, टैप करके ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सारा कुछ काम करके दिया हूँ, आपको जस्ट क्या करना है मतलब फोटो ऐड करना है। ठीक है, तो आपको मतलब आपका जो 4 बेस्ट फोटो है, मतलब आपका फोटो या तो आपका फ्रेंड का फोटो, जो भी आप चाहो उस फोटो से वीडियो एडिट करना चाह पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोटो को जो 4 फोटो मिलेगा मतलब 4 फोटो में वीडियो एडिट होगा। ठीक है, तो उस 4 फोटो का मतलब रिसाइज करना। ठीक है, रिसाइज कैसे करोगे, 9:16 में रिसाइज करना है। रिसाइज कैसे करोगे, उसके लिए बैक जाना है, प्लस के ऊपर प्रेस करना है, 9:16 को सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। ठीक है, इसके बाद प्लस के ऊपर प्रेस करना है, मीडिया पे टैप करना है, यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपका फोटो है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। ठीक, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फोटो शो होगा, तो जिस भी फोटो पर वीडियो एडिट करना चाहते हो उस फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करना, मैं तो पहले से साइज करके रखा हूँ इसलिए मेरा साइज पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है मतलब साइज करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से फोटो को ऐड करना, उसके बाद फोटो को लेयर को इस तरीके से टैप करना, 3 डॉट में टैप करना और फुल कॉम्पेयर एरिया पे टैप करना, तो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जूम करके मतलब फोटो का साइज के मुताबिक इस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो साइज करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, एक्सपोर्ट बटन पे टैप करना है। ठीक है, करंट फेमस PNG पे टैप करके मतलब फोटो को सेव करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट बटन पे टैप करके फोटो को सेव करना है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन आ जाएगा, तो सेव ऑप्शन पे टैप करके फोटो को सेव करना है। ठीक है, तो आप लोग सेव कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं पहले से ही करके रखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से सही फोटो को मतलब 4 फोटो को इस तरीके से साइज करना है। ठीक है, साइज करने के बाद क्या करना है, आपको बैक जाना है, फिर से मतलब सॉन्ग बीट मार्क मतलब जो XML फाइल है उस 3D XML फाइल को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद मतलब सबसे पहले यहाँ पे फोटो का ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो इस फोटो का ग्रुप को इस तरीके से टैप करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। ठीक है, एडिट ग्रुप में जाने के बाद कुछ इस तरह का फर्स्ट फोटो, सेकेंड फोटो, थर्ड फोटो, फोर्थ फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फोटो। ठीक है, तो फर्स्ट फोटो को आपको टैप करना है, मतलब कलर फिल में जाना है। ठीक है, मीडिया नॉट फाउंड पे जाना है, मीडिया नॉट फाउंड पे जाने के बाद एग्जांपल के लिए फर्स्ट फोटो ए वाला फोटो को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट फोटो ए वाला फोटो को ही फर्स्ट रहने देना है। ठीक है, तो आप जिस भी फोटो को फर्स्ट सिलेक्ट करते हो कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फोटो पे टैप करना है, ओके, यहाँ पे कलर फिल में जाके एग्जाम्पल के लिए ए वाला फोटो को हम लोग सेकेंड फोटो को सिलेक्ट किया। ठीक है, सेम प्रोसेस में फिर से आपको थर्ड फोटो को फिर से सिलेक्ट करना है, एग्जाम्पल ए वाला फोटो को थर्ड फोटो सिलेक्ट किया। ठीक है, और फोर्थ फोटो यहाँ पे फोर्थ फोटो को लास्ट फोटो को जो लास्ट पे जो फोटो आएगा वो वाला फोटो को फोर्थ फोटो सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो ऐड हो गया, इसी तरीके से फोटो ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट फोटो, सेकेंड फोटो, फोर्थ फोटो, मतलब जहाँ पे जो वाला फोटो ऐड करना है वो सभी के मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको क्या करना है जस्ट ऐसे टैप करना है, मतलब देखना है फर्स्ट फोटो, यहाँ पे फर्स्ट फोटो पे टैप करना है, ओके पे टैप करना है, कलर फिल में जाना है, तो जो वाला फोटो आप सबसे पहले वाला ग्रुप में मतलब फर्स्ट फोटो सिलेक्ट किया था ए वाला फोटो को, इस वाला फोटो को ऐड करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको फिर से वाला सेकेंड वाला फोटो, ठीक है, सेकेंड फोटो, तो सेकेंड फोटो पे टैप करना है, ओके पे टैप करना है, कलर फिल में जाके सेम प्रोसेस आपको सेकेंड फोटो, एग्जांपल ए वाला फोटो को चूज करना है। ठीक है,
सेम पोज में आपको फिर से फोर्थ फोटो में फिर से आपको मतलब फोर्थ फोटो ये वाला फोर्थ फोटो ठीक है, ये वाला फोर्थ फोटो को सिलेक्ट करना है ठीक है। थर्ड फोटो आप लोग कौन सा थर्ड फोटो ठीक है, इस फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट करना है ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फिर से फर्स्ट फोटो आपको ऐड करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग कैसे ऐड करोगे ठीक है, देख लो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो भी देख लो ठीक है, मतलब नहीं पता चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा अच्छे से ठीक है। यहाँ पे ऐड करना है ठीक है, तो ऐड हो गया सभी फोटो में ठीक है। तो यहाँ पे मतलब देख लेना है कौन सा कहाँ पे कौन सा फोटो ऐड करना है ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो मतलब सबसे पहले वाला ये वाला फोटो का लेयर में जहाँ पे जो वाला फोटो ऐड करोगे मतलब फर्स्ट फोटो ये वाला फोटो ऐड किया, तो सेम पर्स में आपको सभी उसके बाद जितने भी लेयर मिलेगा सभी लेयर पे आपको सेम उसी तरीके से फर्स्ट फोटो सेकेंड फोटो ऐड करना है ठीक है। तो ऐड करने के बाद फिर से आपको मतलब यहाँ पे आ जाना है, मतलब 8.4 सेकंड में आना है, यहाँ पे फर्स्ट फोटो लिख के आएगा ठीक है। तो फर्स्ट फोटो को टैप करना है ठीक है, ग्रुप में टैप करने के बाद मतलब यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना है। और जी आप जितने भी टेक्निकल सोयल लिख के आएगा मतलब चार लेयर है, इस चारों लेयर के आपको फोटो ऐड करना है। और यहाँ पे टेक्निकल सोयल मतलब रेड कलर का क्रॉस दिया है, या तो आपको इसमें आपको फोटो नहीं ऐड करना है ठीक है, इसमें आपको फोटो नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको जस्ट इस मतलब उसके नीचे जो टेक्निकल सोयल लिख के जो वाला है उसी में आपको फर्स्ट फोटो ऐड करना है ठीक है। तो ये फर्स्ट फोटो है, फर्स्ट फोटो पे टैप करना है, मतलब सभी इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर जितने भी फोटो है मतलब लेयर है सभी पे आपको फर्स्ट फोटो ऐड करना है ठीक है। देखो कैसे ऐड कर रहा हूँ ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से ऐड कर लेना। वेट दिखा दे रहा हूँ फिर से आपको, ये देखो ऐड हो गया फिर से। तो इसी तरीके से आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद मतलब यहाँ पे जो टेक्निकल सोयल क्रॉस रेड कलर का क्रॉस आएगा उसमें आप उस लेयर में कुछ भी नहीं करना है ठीक है, उसमें आपको छोड़ देना है ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाने के बाद आपको सेम पोर्स में फिर से भी सेकेंड मतलब फोटो आ जाएगा, सेकेंड फोटो में आपको उसी तरीके से फोटो ऐड करना है सेम पोर्स में। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ फोटो कैसे ऐड करना है, सेम पोर्स में आपको सही फोटो को इस तरीके से ऐड करना है ठीक है। तो एक एक करके मैं ऐड कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लो ठीक है, मतलब कैसे फोटो ऐड करना है, सेम पोस्ट को फिर से फोटो ऐड करना है ठीक है। फोटो ऐड करने के बाद फिर से आपको बैक जाना है, फिर से मतलब थर्ड फोटो आ जाएगा ठीक है, थर्ड फोटो लिख के आएगा, थर्ड फोटो में भी सेम पोस्ट में आपको फोटो ऐड करना है ठीक है। तो मतलब ये वाला क्रॉस टेक्निकल सोयल क्रॉस जो रेड कलर का क्रॉस उसको छोड़ के उस लेयर को छोड़ के बाकी जितने भी लेयर है मतलब उस सभी लेयर पे थर्ड फोटो को ऐड करना है ठीक है। तो वेट हम लोग जल्दी जल्दी से सभी फोटो को ऐड कर लेते हैं। ओके तो हमने सही फोटो को ऐड कर लिया ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से मतलब यहाँ पे देख लिया मतलब सही फोटो को ऐड कर लिया ठीक है। सेम पोज में फोर्थ मतलब आपको भी यहाँ पे फोर्थ लेयर मिलेगा, फोर्थ लेयर पे भी सेम पोज को मतलब दो फोटो ऐड करने और इसको एक को छोड़ना है ठीक है, मतलब देख लेना आप लोग ठीक है। उसके बाद फिर से मतलब फोर्थ फोटो के बाद फिर से मतलब फोर्थ फोटो आएगा, उस यहाँ पे भी आपको सेम पोज में फोर्थ फोटो में फोटो ऐड करना है ठीक है। तो एक एक करके सही फोटो को आपको फोटो ऐड कर लेना ठीक है। तो फोटो ऐड करने के बाद वीडियो फुल रेडी हो गया, आप चाहो तो एक बार प्ले करके देख सकते हो, और नहीं चाहो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, एक्सपोर्ट बटन को टैप करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, एरो पे टैप करना है, 720p HD को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फुल रहने देना है, और क्वालिटी को मतलब 10 या तो 12 MB के मुताबिक करना है ठीक है। तो 12 MB के मुताबिक कर लेने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे टैप करके वीडियो को एक्सपोर्ट करना है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर से एक नया वीडियो में, तो उसके लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।